हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के जो मामले की सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बागी विधायकों को मनाने बेंगलुरु पहुंचे हैं और अब एक नई हलचल होने जा रही है। भोपाल में बड़ी खबर इस समय की, जहां के होटल मैरियट में ठहरे कांग्रेस के सभी विधायक राजभवन कूच करने वाले हैं। वो बेंगलुरु में रखे गए विधायकों को छुड़ाने की राज्यपाल से मांग करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भोपाल से जुड़ रहे हैं और उसी मैरियट होटल के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर की जो रुके हुए कांग्रेस के विधायक हैं वो राज्यपाल की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। ज्ञानेंद्र, अपडेट दीजिए। शोभना, ये जो बस देख रही हैं आप, इस बस में विधायक हैं कांग्रेस के। ये तमाम लोग जो हैं वो निकलेंगे अब राजभवन के लिए। कांग्रेस के जो यहाँ पे नेता लीड कर रहे हैं इस पूरी कमान को, वो कह रहे हैं कि अब विधायक जो है बेंगलुरु में बंधक, कथित तौर पर बंधक बनाए गए विधायकों को ले जाया जाएगा। अब ये देखिए, हमारे साथ विधायक है उज्जैन से। क्या नाम है आपका? परमार। महेश परमार जी हैं, जो सबसे पहले इन्होंने खबर दी थी कि दो विधायकों को कोरोना के लक्षण पाए गए। अब ये बताइए कि कोरोना ने तो विधानसभा टाल दिया, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बस लग गई है, कहाँ जा रहे हैं? महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जा रहे हैं और महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह महामहिम राज्यपाल जी की महिमा को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उन्हें राज्यपाल जी को कठपुतली बना दिया। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं, चुने हुए लोग, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को बंधक बनाया, दूसरे खुद के विधायकों को बंधक बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के लिए लाली तो पागल हो रहे हैं। शेरा जी, ये बताइए कि अब क्या राज्यपाल छुड़वाएंगे? क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राज्यपाल को हमारी विनती करेंगे कि क्या चल रहा है, प्रजातंत्र के रखवाले राज्यपाल साहब, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के जो नियम कायदे कानून है उसके तरह चलाओ। ये तो ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है कि 16 विधायक उधर रख दिए, 15 विधायक उधर रख दिए, उनको बोलने नहीं दे रहा है, लोगों के बीच में आने नहीं दे रहा है। ये मतलब हंसी हो रही है। तो गांधी प्रतिमा के पास आप लोग धरना भी देने वाले हैं क्या? मिंटो हॉल के पास? यस यस बिल्कुल। ये शोभना जो है, ये पहले राजभवन जाएंगे, अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, उसके बाद फिर मिंटो हॉल में जो गांधी प्रतिमा है, तो अब गांधी जी मतलब गांधीवादी तरीके से ये लोग विधायकों को छुड़ाने की मांग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर खड़े हैं। और वो अब ये जो बस देखिए, दुर्गेश इधर दिखाइए, ये जो दोनों बस लगी है इसमें कुछ विधायक जो है वो अंदर बैठ भी गए हैं और ये दोनों बस जो हैं इन्हीं दोनों बसों के साथ, इन्हीं दोनों बसों में सवार होकर वो जो है राजभवन की ओर जाएंगे और फिर उसके बाद वहां शिकायत दर्ज कराने के बाद लौटेंगे और मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से जो बेंगलुरु में कथित तौर पर बंधक विधायक बनाए गए हैं, जहां दिग्विजय सिंह सुबह से ही पहुंचकर धरना दे रहे हैं, उनको छुड़ाने की मांग करेंगे। जी शोभना। ठीक है ज्ञानेंद्र, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही ये बसें इन विधायकों को लेकर रवाना होंगी फिर हम आपका रुख करेंगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।